स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद हकीम साहब। बात करना चाहूंगी बालों को लेके। बाल एक ऐसी चीज है कि पुरुष हो, महिलाएं हो या नौजवान हो, हर किसी को अपने बड़े ही खूबसूरत बाल चाहिए। लेकिन अभी नौजवान भी बालों की समस्या से ग्रसित रहते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हम गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। इतने ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं कि या तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं या फिर कुछ और करा लेते हैं, उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं होती है। तो जो नेचुरल हेयर हमारे अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से रह सके, उसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, बाल मेरे भी जाते हैं, कभी नुकसान होता है, कभी गिरते हैं। सफ़ेद तकिया, सफ़ेद चादर का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे दिखते हैं बाल खूब कि कब गिर रहे हैं कब नहीं गिर रहे। जब मुझे ज़्यादा बाल मिलने लगते हैं, दो चार बाल, छः बाल अगर मिलते हैं तकिए पे तो समझ लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20-30 बार रोज़ाना गिरने लगे तो आदमी टकला हो जाता है। बालों को जब भी मुझे ज़्यादा बाल नज़र आते हैं तो एक नुस्खा बहुत परिचित और चर्चित और कामयाब और क्या क्या है, सफ़ेद गौंद मोरिंगा। सफ़ेद गौंद मोरिंगा ये वो रॉ मटेरियल है जो असली मिल जाने पर आपको 1 ग्राम रोज़ाना यूज़ करना पड़ता है, खाना पड़ता है, चाहे पानी के साथ लें, चाहे दूध में मिला के लें, चाहे नारियल पानी के साथ लें। तो ये रहती ज़िंदगी तक बालों को रख सकता है, इसमें इतनी ताकत है। इससे और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, बालों की तो ग्रोथ करता है। अगर बच्चे जो छोटे कद के रह जाते हैं, पस्ता कद के, ये उनकी कद को बढ़ाने की भी ताकत रखता है। अगर अंडर एज में लिया जाए, जब ग्रोथ की उम्र है उसमें, या किसी का चेहरा बहुत साफ ना हो, किसी के मुहासे निकलते हों, किसी के चेहरे पर कशिश ना हो, खूबसूरत पुरकशिश पुरशबाब ना लगता हो, तो वो शख्स भी अगर 1 ग्राम रोज़ाना इसको इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है।